तो फटाफट तो यहाँ सो दोस्तों मैं पहुंचा हूँ अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? नए दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ और एक फ्रेश अच्छे से ब्लॉग के साथ। महादेव की नगरी बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर। तो आपने देखा जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैं बनारस में हूँ और आज मेरा सेकंड डे है बनारस में। कल मैं दोपहर तक मैं पहुंचा था बनारस थोड़ा, और मैं कल थोड़ा देखा दिखाया मैंने, काशी विश्वनाथ मंदिर देखा, दशमेश्वर घाट, गंगा जी की आरती देखी, तो काफी अच्छा लगा। बट क्या था कि फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा अभी देखा कल की क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आज का दिन पूरा इसी चीज को देखने में, आपको दिखाने में निकालेंगे, ठीक है? तो बस अभी भाई से फोन आया था कि भाई भैया सर जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट आपका रेडी है। ब्रेकफास्ट मतलब इंक्लूडिंग था, तो ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने कहा भाई हम तो उठ गए आ रहे, फटाफट फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होके फटाफट पहुंचते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि भाई पिज्जा दिए है ना तो खाना भी तो जरूरी है। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बाकी दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। वैसे ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था इसलिए यही होटल में कर रहा हूँ, वरना तो ऐसा मूड था कि बाहर जाके छोले पूड़ी जलेबी ये सब जो होता है कचौड़ी वो खाते खाएंगे, वो भी बाहर जाके तो खाएंगे, ठीक है? दिन बहुत लंबा है आज का, काफी इंजॉय करने वाले हो, मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखना और कमेंट में जरूर लिख के जाना हर हर महादेव। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो ब्रेकफास्ट में है फ्रेश फ्रूट, भजिया मतलब पकौड़े भजी और आलू की सब्जी और परौठा और क्या सैंडविच थे, चाय कॉफी। तो पहले ये फ्रिज करते हैं फिर बाकी देखते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ रूम में, अब थोड़ा सा स्टोरी और रील भी बना रहा था, अब वो हो गया काम पूरा। अब चलते हैं नहाने के लिए, नहा के फिर निकलते हैं आगे मंदिर की तरफ, जाते हैं दोबारा से घाट पे और आज फिर खाएंगे स्ट्रीट फूड और सब कुछ देखेंगे, ठीक है? बाकी अभी देखते हैं भाई कपड़े क्या पहने, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कल तो भाई पैंट बच गई थी, इतने पसीने आए थे, इतनी गर्मी थी। कल तो शाम का टाइम था, आज तो भाई दिन का टाइम है, अब क्या हाल होगा। चलो देखते हैं भाई कुछ हल्का लाइट पहनते हैं जिससे पसीने कम आए। चलो जी देखते हैं भाई क्या पहने जाए आज। ओ कुर्ता पहन लूं, कुर्ता लेके आया था, पतला भी है, तो आज कुर्ता पहनते हैं। आज नीचे क्या पहने, नीचे भाई शॉर्ट्स ही पहन लूं क्या? दिखेगी नहीं पैर। नहीं भाई नीचे में डेनिम भी पहननी पड़ेगी, डेनिम में निकालते हैं। ये कैसा लगेगा ये बताना कमेंट करके, डेनिम के ऊपर कुर्ता। तो दोस्तों रेडी हो गया हूँ, अब निकल रहे हैं बाहर, आज करेंगे पूरे दिन एक्सप्लोर और देखेंगे काशी विश्वनाथ और बनारस की छोटी छोटी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गलियाँ, ठीक है? तो फटाफट निकलते हैं बाहर, बाकी तैयार होकर निकल रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताना, कुर्ता वर्ता पहना है आज एकदम चकास। चलो जी बाकी आज मैंने कैमरा भी निकाल लिया बाहर, थोड़ा कैमरे से भी शूट करेंगे। अगर बनारस की गलियों में घूमना है तो यहाँ के लोकल रिक्शे जो हैं इन पर बैठो, बैटरी रिक्शे में मत बैठना, इसमें बैठो, इसमें आपको 360 व्यू दिखता है, तो क्या बढ़िया लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से 80 घाट, पहले 80 घाट घूम के आते हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं, उसके बाद फिर आएंगे वापस दशमेश्वर घाट और मणिकर्णा घाट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं अभी 80 घाट और 80 घाट पे देखो बहाव, देखो गंगा का कहां तक आ गई है सीढ़ी तक। तो भाई अभी सारी बोट वोट सब कुछ बंद है, अभी तो लोग बस सीढ़ी पे ही खड़े होकर स्नान कर रहे हैं, इतना पानी का बहाव है, ऊपर घाट तक पानी आ गया पूरा, अभी सारी बोट वोट सब बंद है।
सफाई कर रहे हैं। Later. ये पूरा अस्सी घाट है। अभी गंगा जी का पानी जो पूरा घाट के ऊपर तक आ रखा है, तो सारी बोट वोट जो है सब कुछ बंद है। अभी कोई राइड वाइड कुछ राइड नहीं हो रही है। बाकी तो अभी थोड़ी देर मैंने यहाँ पर टाइम में बैठा, सब कुछ देखा यहाँ पर, सब अपना अपना कोई स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। भाई मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो अब यहाँ चलते हैं दशमेश्वर घाट, अब यहाँ चलते हैं दशमेश्वर घाट। बाकी हाँ, आरती का पता नहीं, शायद वो जो स्टैंड बने हुए वहाँ होती है कि वहीं, शायद लग रहा वहीं होती है। चलो हम दशमेश्वर घाट चलते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे आरती। One hour later. दोस्तों लंच करने के लिए मैं आया था केसरी रेस्टोरेंट, बट मैं सोचा कि थाली लूँगा, बट थाली में इतनी सारी ऑप्शन है ना, मिक्स वेजिटेबल, पनीर करी, प्लेन दाल कड़ी, तंदूरी रोटी चार, मिक्सी रोटी एक, प्लेन राइस, बूंदी, रायता, पापड़, सलाद, सूप, ये क्या सॉस, पिकल, स्वीट डिश, भाई इतना आइटम कौन खा पाएगा, सारा वेज जाएगा। उसके बाद फिर स्पेशल थाली में भी सेम आइटम है, क्या है, रुचिकर स्पेशल थाली, डिलक्स थाली। डिलक्स थाली में क्या, तंदूर रोटी है, राइस है, दाल है, पनीर है, मिक्स रायता है, सलाद, पापड़, अच्छा। और ये केसरी बम बम थाली 1200 रुपये की है, पर इसमें आइटम देखो कितने सारी है भाई, ये चार लोगों के लिए मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं क्या मंगाते हैं हम। सो आज के लंच में है थाली, थाली में है रायता, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दाल, राइस और रोटी और सैलेड 270 इसका जो प्राइस है, डीलक्स थाली केसरी रेस्टोरेंट। तो लंच अपना कंप्लीट हो गया, बढ़िया खाना लगा, और 284 का बिल आया GST मिला के, टेस्ट तो सही था। चार रोटी तो मैंने नहीं खाई, मैं तीन रोटी खाई है, बाकी माफ कैशर तो खाते हैं, अभी चलते हैं यहाँ से।